अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ है। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ, अगेन मेरी फेवरेट मच्छी, और आज मेरे लिए है पापलेट। अच्छा, पापलेट में मैं आज बना रही हूँ पापलेट का पुलाव, मच्छी का पुलाव, बढ़िया सा मजेदार सा। और ये है खोपरा, नारियल जिसे कहते हैं, इसकी मैं चटनी भी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर या पतीली के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए 6-7 काली मिरी, 3-4 लौंग, आधा छोटी चाय का चम्मच जीरा साबुत वाला, और 2 तेज पत्ता और 2 डांडी दालचीनी की। ये सारा डालने के बाद जब ये तड़तड़ा जाते हैं गरम मसाले फास्ट आंच पर, इसमें डाल दीजिए 3 मीडियम साइज की प्याज, बारीक कटी हुई, स्लाइस करी हुई। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 डाली, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। और इसे आपने फास्ट आंच पर फ्राई करना है, आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा, मेरे पास साइड पर मच्छी का मैंने तेल रखा था, फ्राई कल ही किया था तो मैंने साइड पर रख दिया था, तो वो भी थोड़ा मैं डाल देती हूँ। और जब प्याज जो है इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो मैं थोड़ी सी निकाल कर साइड पर रख देती हूँ, सो दैट है ना ऊपर से थोड़ा सा बिरिस्ता जाएगा तो मज़ा आएगा। अगर आपके पास बिरिस्ता पहले से ऑलरेडी है तो फिर आप 2 ही प्याज लीजिएगा और निकालने की ज़रूरत नहीं, बट मैं थोड़ा सा पहले निकाल लेती हूँ सो दैट मैं ऊपर से थोड़ा बिरिस्ता डाल सकूँ। अब डाल दीजिए 3 मीडियम साइज के टमाटर, छील निकाल कर बारीक काट कर मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और आधा छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। चूल्हा स्लो कर ढक कर इसे 4-5 मिनट पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक ये जो टमाटर है वो नम नहीं हो जाते, तब तक। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ ये 500 ग्राम पापलेट है, और ये 500 ग्राम पापलेट को मैंने ऐसे ऐसे पीस किया, आपने देख लिया। और इसके अंदर है ना, मैंने समझिए ना 1.5 चम्मच भर कर, छोटा चाय का चम्मच भर कर इसमें नमक डाल दिया, और आगे पीछे अच्छे से मिलाया इसके अंदर। और अब तकरीबन समझिए ना 1 घंटे पहले किया था मैंने नमक डाल के, इसे काट लिया, नमक डाल दिया और इसे साइड पर ढक कर फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में ही रखेगा, बाहर मत रखेगा। फ्रिज में रखने के बाद अब 1.25 घंटा हो गया है तो मैं अभी इसे अच्छे से धो लेती हूँ। धोना बहुत ही अच्छे से है, आपको तो पता ही होगा, जो ब्लैकनेस है वो सारी निकालनी है, जो भी गंदगी है वो सारी निकालनी है, मैं आपको धो के बताती हूँ। अच्छा, मच्छी क्लीन ना बहुत ही एहतियाती से कीजिएगा, पानी में जब आप धोएंगे तो जो ब्लैकनेस है वो सारी हाथों की मदद से, ये जो उंगलियां हैं उसकी मदद से स्क्रैच करेंगे ना तो काला सारी निकल जाएगी। और इसे मैंने ड्रेन भी कर लिया है मच्छी को, और साइड पर रख देती हूँ। अब यहाँ टमाटरों को 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए नम हो चुके हैं टमाटर। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल देती हूँ। 4 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ 1.25 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर लीजिएगा, और 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, और इसमें 1/4 कप जितना मैं पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर करके एक उबाल खिला लीजिए, जब एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक मसाला अच्छा भुने जाता और तेल नहीं छूट जाता, तब तक। जब तक मसाला भुना रहा है हम एक छोटा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ 12 लहसुन है और 2 हरी मिर्चियाँ हैं, और आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा डाल दीजिए साबुत वाला। उखल में डाल दीजिए सारी चीज़ों को बिना पानी डाल के, इसे बहुत अच्छे से कूट लीजिए। ये कूट के ज़रूर डालिएगा, इससे ना जो फ्लेवर है वो एनहांस होगा, क्योंकि फ्रेशली कूट के डाल रहे हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या टेस्ट आएगा हमारे पुलाव के अंदर। चलिए 6-7 मिनट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं तेल बहुत अच्छे से छूट चुका है। अच्छा, इसमें मैं ना 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ, मिक्स करके इसे ढक कर स्लो आंच पर फिर से थोड़ा सा मसाला भूनने के लिए रख देती हूँ। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, अच्छा मसाला भून चुका है, मैंने 2 टाइम किया था जिसे आपने देखा, वो जो फ्रेशली हमने मसाला कूट के रखा है अब उसकी बारी है, उसे ले आया जाए और इसमें डाला जाए। तो मैं ये सारा डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर है ना मैं थोड़ा 1/2 कप जितना पानी भी डाल देती हूँ जिसमें मैंने मसाला कूटा था, और इसे डालकर पानी को डालकर साइड पर रख रही हूँ। सबसे पहले तो अब इसको चूल्हा हम कर देते हैं मीडियम आंच, और मिक्स कर लीजिए 1 से 1.5 मिनट तक, इसे पका लीजिए। मसाला कच्चा ही रहेगा, कोई बात नहीं, नमक एडजस्ट कर लीजिए अगर कम लगे तो, मैंने नमक थोड़ा और डाला है। मिक्स कर लीजिए, और जब 1 से 1.5 मिनट हो जाती है तो हमने ये जो पानी बना कर रखा है ये डाल दीजिए 1/2 कप वाला, और फ्रेशली और 1/2 कप पानी डालिए, तो टोटल 1 कप पानी डालना है। और इसे मिक्स कर आप इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक अच्छा उबाल आ जाता है
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के सारी एक एक करके मच्छी डाल दीजिए। वैसे ये मच्छी में नमक पहले से हमने चढ़ा के रखा था, अब इस समय वो नमक छोड़ेगा मच्छी। हाँ, अब एक बार चला लीजिए और इसे 2-3 मिनट पकने दीजिए। बार बार मत चलाइएगा, एक ही बार चलाइए। 2-3 मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है और इसे ये दूसरी बार मैंने चलाया, आपने देखा। बस अभी इसके बाद आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बस इसके बाद आपने जब आपने चलाना है तो इस तरीके से कपड़े की मदद से सिर्फ इस तरीके से चला लीजिएगा पूरे बर्तन को, तो वो अपने आप मच्छी उलट पलट होती रहेगी। तकरीबन आपने 8-9 मिनट तक मच्छी को पकाना है। बस जब जब लगे तो इस तरीके से इसे चला लीजिएगा हाथों की मदद से पूरे बर्तन को। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा नमक है ना, पहले जो आप ग्रेवी में डालते हैं तो जरा हाथ कम ही रखिएगा, क्योंकि मच्छी का नमक भी छूटता है। 7-8 मिनट हो जाए तो छुरी की मदद से इस तरीके से टेस्ट कर लीजिए। छुरी आसानी से अंदर चली जाए इस तरीके से, मतलब मक्खन की तरह जाए, तो आपकी मच्छी हो चुकी है। और अगर ना जाए इसका मतलब 1-2 मिनट और रखने की देर है। मेरी तो परफेक्टली हो चुकी है, तो मैं इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर प्लेट में निकाल लेती हूँ। हाँ, मैं सिर्फ ड्रेन करके उसे सिर्फ मच्छी को नहीं ले रही हूँ, हल्का हल्का मसाला भी ले रही हूँ। मेरा थोड़ा मसाला ज़्यादा पकाने डालने का मकसद ही ये था कि मैं मच्छी के ऊपर थोड़ा मसाला डालूँ, तो मुझे टेस्ट, हमें जब आप खाओगे ना पुलाव को तो मच्छी के ऊपर भी मसाला लगा हुआ रहेगा और टेस्ट आएगा। चलिए इसे निकाल लिया और साइड पर रख दीजिए। अब चूल्हा कर दीजिए फास्ट आँच और इसमें अब अपना पानी डाल दीजिए, मतलब जितना भी आप चावल लिए उसका डबल। मैंने तकरीबन 2.25 कप लिए हैं, उस हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। मैंने जो बासमती लिए हैं वो है 2.25 कप, तकरीबन 350 ग्राम तक होते हैं। मैंने चावल कम रखे, आप चाहें तो 500 ग्राम तक भी ले सकते हैं। मैंने 2.25 कप लिए हैं तो उसका मुझे डबल डालना है, 350 कप। अगर आप 500 ग्राम लेते हो, एक कप से मेजर कर लीजिए और उसका डबल पानी डाल दीजिएगा। चलिए मैं खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर भी डाल देती हूँ। 2-3 हरी मिर्चियाँ मैंने स्लिट मार के डाली, आपने नहीं डालना कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। नमक डाल दीजिए चावलों के हिसाब का और इसे फास्ट आंच पर एक उबाल आ जाने दीजिए। आप चाहें तो ढक कर भी उबाल खिला सकते हैं। साइड बाय साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चावलों को पानी में सोक करके नहीं रखा है, जैसे हम बिरयानी में करते हैं। मैं पुलाव में कभी भी ये नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ 350 ग्राम चावल है, बासमती है। अब इसे 2-3 पानी से धोकर जब तक ये उबाल आता है उतने टाइम तक ही मैं उसे पानी में सोक करके रखूंगी। ये देखिए, चलिए उबाल आ चुका है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर चावलों को नितार कर सारे डाल दीजिए। चलिए एक बार चला लीजिए इसे और इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाए जब तक ऑल्दोमोस्ट ड्राई नहीं हो जाती। ये देखिए, ऑल्दोमोस्ट जब ड्राई हो जाएगी ना कुछ देर में, तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, हल्का सा ही पानी रहना चाहिए इस तरीके से। स्लो आंच करने के बाद ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के जो सारी मच्छी आपने साइड पर रखी थी, ये एक एक करके ऊपर लेयर बना दीजिए इसकी, इस तरीके से। जो मसाला प्लेट के अंदर है वो सारा आप मच्छी के ऊपर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और आप सूखी सूखी मच्छी मत निकालिएगा, थोड़ा मसाले के साथ, गाढ़े गाढ़े मसाले के साथ निकालिएगा और ये मसाला एंड में यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिएगा, तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा मच्छी में। अपनी पुलाव भी बढ़िया सी लगेगी मच्छी के साथ। चलिए थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ मैं बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा ये बिरिस्ता साइड पर रखा था वो डालकर ढककर स्लो आंच पर दम पे तकरीबन 12-15 मिनट पकने दीजिए। अच्छा, तो मैंने चावलों को दम पे रख दिया है 12-15 मिनट, उसे मैं स्लो आंच पर ढक कर ऊपर वजन रख के रख दी। आराम से स्लो आंच पर होते रहेंगे चावल। और यहाँ पर मैं ना कोकोनट की नारियल की चटनी बना लेती हूँ, बहुत ही मजेदार लगती है, सी फूड के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, जरूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने आधा कोकोनट लिया है नारियल, उसकी छील निकाल ली है और धो लिया है। अब यहाँ मैंने 2-3 हरी मिर्चियां ली है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5-6 लहसुन ली है और थोड़ी सी कोथमीर ली है और मैं पीस लेती हूँ इसे। ये सारी चीजों को मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए छोटे वाले में और कुछ सेकंड्स के लिए इसे पीस लीजिए। जब आप कुछ सेकंड्स हो जाएं और ये खोपरा इस तरीके से हो जाए, तो थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल भी खोपरा नहीं रहना चाहिए। और अब मैं इसे ट्रांसफर कर देती हूँ एक बाउल के अंदर।
नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधे नींबू का रस डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप चख लीजिए। अगर आपको नींबू कम लगे खट्टा सा मीन तो थोड़ा सा डाल दीजिए नींबू का रस, नमक कम लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा जब पीस रहे हों तभी जब देख लीजिए, हरी मिर्ची अगर आपको कम लगे तो हरी मिर्ची उस समय बढ़ा दीजिएगा। चलिए मैं टेस्ट कर लेती हूँ और मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, कुछ भी कम नहीं लग रहा है, तो मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। ये 12-13 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे, इसे मैं खोल कर चेक कर लेती हूँ और दिख ही रही है बढ़िया सी, मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह। और मैं इसे अब गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। कोकोनट जो नारियल की चटनी बनाई थी उसके साथ, तो आप देख सकते हैं नीचे से अच्छे से ड्राई आउट हो चुकी है और अच्छे खुले खुले से चावल बने हैं और कितनी बढ़िया सी लग रही है। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया और आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। अच्छा कुछ मैंने सी फूड्स की रेसिपी बनाई है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।